स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। तो इसमें आपको एक बॉडी मान लेना, सपोज करो एक बॉल है और ये अर्थ हो गया, ये हो गया अर्थ और ये आपका बॉडी है। तो ये जो बॉडी है ये फ्री फॉल मोशन कर रहा है, मतलब इसको ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रहा है इस तरह से, जिसकी वजह से ये नीचे जाएगा। तो ये जितना हाइट पर है इसके पास उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जितना हाइट इसका कम होते जाएगा अर्थ से, इसका पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ही कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स कि नीचे जाने पर द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये जितना नीचे जाएगा इसका स्पीड उतना बढ़ेगा और हाइट उतना कम होगा। तो स्पीड के बढ़ने से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो कि इस बॉडी के पास मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है 500। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा, और जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, बट ग्राउंड पे पहुंचने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 500। शुरुआत में जब इसको रिलीज किए रेस्ट से, तो उस टाइम इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि इसको रेस्ट से रिलीज किया गया, कोई वेलोसिटी इसके पास है नहीं। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी 500 रहेगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी हाइट हम देख नहीं पा रहे, बट इसका काइनेटिक एनर्जी उस टाइम मैक्सिमम होगा जो कि 500। तो इनका जो सम है, मीन्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, ना कि काइनेटिक एनर्जी, ना ही पोटेंशियल एनर्जी, ना ही इसका मोमेंटम। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।